युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर कराने के विरोध में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और युवा मोर्चे के खिलाफ हुए एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही प्रदेश सरकार और जिला पुलिस के सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन भी किए। वहीं भाजपा के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे जिसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होंगे। परसों युवा मोर्चा और एसटी मोर्चा के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, इसमें शांतिपूर्ण ढंग से पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और अचानक एक आरक्षक के द्वारा अपने कार्यकर्ता के साथ छीना झपटी हुआ है। उसमें आरक्षक के द्वारा पहले गाली गलौज किया गया, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता भी उनके साथ थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुआ और बातचीत हुआ। पुतला दहन के कार्यक्रम में छीना झपटी तो होता ही है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा व युवा मोर्चा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम था, जहाँ पर शांतिपूर्वक पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा था और एक आरक्षक के द्वारा माँ बहन की गंदी गंदी गालियां कार्यकर्ताओं को दी गई, जिसका विरोध कार्यकर्ताओं के द्वारा जब किया गया और एक कार्यकर्ता को मारपीट भी किया, एक हमारे अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता के साथ भी धक्का मुक्की और गाली गलौज हुआ। कल भाजपा के युवा मोर्चा के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा था सिग्नल चौक में और प्रदर्शन के दौरान वहाँ पे पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और इस दौरान वहाँ पर उपस्थित एक कार्यकर्ता के द्वारा पुलिस अधिकारी को अश्लील गाली गलौज किया जाने लगा और धक्के देकर उसे और गाली गलौज किया जा रहा था। और इस बर्ताव के आधार पर जब प्रार्थी ने हमें थाने में ये रिपोर्ट दी थी तो इस पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।